हेलो दोस्तों तो ओ के हमने रिकॉर्डेड सेशंस जैसे आपको देना चालू किया था अब अगले वाले टॉपिक की बारी आ गई दैट इज चैप्टर टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और उसमें से सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग तो आखिर प्लानिंग क्या है लेट्स टॉक अबाउट दैट सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग वॉट डू वी मीन बाय द टर्म प्लानिंग एंड इन दैट जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप किसी भी तरह के फंक्शन के बारे में बात कर लो तो सबसे पहला फंक्शन आता है हमेशा प्लानिंग का क्योंकि आप प्लान करोगे तब ना बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट करोगे दूसरा इट डिसाइडिंग इन एडवांस क्यों क्योंकि आप जो चीज करना चाहते हो उसके बारे में आपको पहले से तय करके रखना पड़ेगा आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तय करके रखने पड़ेंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करना चाहते हो इट क्चुअल प्रोसेस क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉग बनना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एंड देयर फॉर इट इज सेट इट इज इट इंक्लूडिकल थिंकिंग एंड द रैशनल डिसीजन मेकिंग आपको फोरकास्ट करना है आपको टारगेट बनाने आपको ये सोचना है कि किस तरह से हमारा बिजनेस चलना चाहिए किस तरह से हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहिए और उसके लिए आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको अलग अलग सर्कमस्टांसेस में क्या क्या डिसीजंस हो सकती हैं ये सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज अ लॉजिकल द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड इट डेवलप्स द डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन अल्टरनेटिव ऑप्शन आप ये भी सोच सकते हो कि वॉट शुड बी माई प्लान ए वॉट शुड बी माई प्लान बी वॉट शुड बी माई प्लान सी नेक्स्ट वन दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म प्लानिंग प्लानिंग फंक्शन हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्या लाया है सबसे पहले इट हैजू क्लियर सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव what are your expectations from your business how you are going to carry out your business what is what you want to achieve that is what is setting the clear objectives provides the path of action आप जो चाहते हो आप जो पाओगे उसे आप कैसे कैरी ओवर करना चाहते हो कैसे आप उस पर्टिकुलर टारगेट तक के पहुंचोगे इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस क्योंकि आप जब पहले से प्लान करके रखते हो तो पहले से आपने अल्टरनेटिव चीजें सोच के रखी हुई और ये अल्टरनेटिव चीजें आपने पहले से सोच के रखी है इसलिए आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है अगर मैं यहां इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए पहले से प्लान नहीं करके आता पहले से अगर प्लान पहले से अगर ठीक से मैंने तैयारी नहीं की होती तो आज मैं शायद ही आपके सामने इतना अच्छा बात कर पाता इट मिनिमाइजेस द रिस्क क्योंकि आपने अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन तय करके रखे हुए हैं तो अगर कोई एक प्लान फेल हो जाता है तो आप दूसरे प्लान की तरफ आगे बढ़ जा सकते हो तो इट मिनिमाइजेस योर रिस्क रिस्क बिकॉज द कैन कैन नॉट बी बी अवॉइडेड बट इट श्योरली यूटिलाइजेशन ऑफ कैसे क्योंकि आप जब प्लान कर रहे थे तभी आपने तय कर लिया था कि कौन से रिसोर्स कहां कैसे यूज किए जा सकते हैं तो आपने हर रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे होने वाला है वो तय करके रखा हुआ इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग क्योंकि आपने अलग अलग ऑफ एक्शन चुने आपने अलग अलग लॉजिक लगाए और उन सारे लॉजिक से आपको पता चला कि आपके लिए कौन से वाले डिसीजन ज्यादा सही होंगे और इसीलिए कहा जाता है इट यूजेस इन सेटिंग इट इज यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। हमारा लास्ट वाला फंक्शन है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमने जो प्लान किया था वो बराबर से फॉलो किया है या नहीं तो जब आप प्लान करते हो तब आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो जब आप कंट्रोल करते हो तो आप चेक करते हो कि उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं फैसिलिटेट्स इन कोऑर्डिनेशन जो अगले वाले आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आने वाले हैं उसमें से कोऑर्डिनेशन फंक्शन और कोऑर्डिनेशन फंक्शन को फैसिलिटेट को करने वाला फंक्शन कौन सा प्लानिंग का फंक्शन It is, it facilitates the other functions also. जैसे आप अगर ऑर्गेनाइजिंग करने, कि करने वाले हो तो आपने तय करके रखा हुआ है कि आपको किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिए किस तरह की हर हर की चाहिए कौन किस तरह के डिसीजन लेगा देन द लास्ट वन लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज इट प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज क्योंकि आप अलग अलग तरह से सोच रहे हो आप अलग अलग पॉइंट में अलग अलग डिसीजन लेने वाले हो और इसी वजह से इट से इट इज सेड दैट इट प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया सो दिस वॉज अबाउट द प्लानिंग फंक्शन अगले वाले वीडियो में अगला वाला फंक्शन थैंक यू